उत्तराखंड के जोशी मठ में हेलंग बाईपास का काम फिलहाल ठप है और वो क्यों है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल IIT रुड़की की तकनीकी जांच रिपोर्ट न मिलने के चलते हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा। शासन को अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिली। वही रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार निर्णय लेगी कि हेलंग बाईपास का निर्माण कार्य जारी रहेगा या फिर नहीं। दरअसल सामरिक और साथ ही बद्रीनाथ यात्रा की दृष्टि से देखा जाए बाईपास काफी महत्वपूर्ण है। बाईपास का काम जोशीमठ भूधसाव की घटना के बाद से अभी तक ठप पड़ा है। बता दें कि जोशीमठ की तलहटी में करीब 6 किलोमीटर बाईपास निर्माण की केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत साल 2021 में मंजूरी दी थी, जहां बाईपास निर्माण का जिम्मा सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO को सौंपा गया। वहीं इस दौरान चट्टानों की कटिंग का काम शुरू हुआ। हेलंग की ओर से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर और मारवाड़ी की तरफ से करीब 1 किलोमीटर चट्टान कटिंग का काम भी पूरा हो गया, लेकिन जोशीमठ में भूधसाव होने के साथ ही 5 जनवरी से बाईपास निर्माण के काम ठप हो गए हैं। ताकि सरकार चाहती है कि बाईपास का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा और सेना की जरूरतों के लिहाज से बाईपास का बहुत महत्व है। सरकार ने IIT रुड़की को इस संबंध में सर्वे का रिपोर्ट देने को कहा था, जहां संस्थान को ये रिपोर्ट देनी थी कि बाईपास निर्माण का काम शुरू करने पर ऊपर जोशीमठ में भूधसाव प्रभावित क्षेत्र में कोई असर तो नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट मिली भी लेकिन शासन को नहीं जमी। शासन ने संस्था से दोबारा रिपोर्ट देने के संबंध में पत्र भी लिखा और ये रिपोर्ट संस्था को 15 मार्च तक मिल भी जानी चाहिए थी, लेकिन सचिव आपदा प्रबंधन के मुताबिक अभी तक शासन को रिपोर्ट नहीं मिली है। वही कहना है कि IIT रुड़की की सर्वे रिपोर्ट में पक्ष में हुई तो जिलाधिकारी को बाईपास का काम शुरू करने के लिए कहा जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये बाईपास जरूरी क्यों है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे पर अगर हेलंग बाईपास का निर्माण होता है तो ये चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही के साथ ही चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब और साथ ही फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए काफी लाभदायक होगा। इस बाईपास के निर्माण से बद्रीनाथ धाम तक जाने वाले तीर्थयात्रियों की 28 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। वहीं पांडुकेश्वर, गोविंद घाट और माड़ा गांव के ग्रामीणों को भी अपने इलाके तक जाने के लिए लंबी दूरी की आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी, जबकि औली, नरसिंह मंदिर और नीति घाटी जाने वाले तीर्थयात्रियों साथ ही पर्यटकों को जोशीमठ नगर से जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।